दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आप SBI के ATM मशीन से बिना ATM कार्ड के पैसे को कैसे निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे नियर में जो ATM मशीन है, उस ATM मशीन से आप पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसी ATM मशीन से पैसे विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। प्ले स्टोर से योनो SBI नाम का एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसको यहीं से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक MPIN बनाना होगा और या तो आप यहाँ पे यूजर आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद लॉगिन होंगे, उसके बाद आपको एक पिन जनरेट करना होगा। तो हमने पहले से पिन यहाँ पे जनरेट कर लिया हूँ, तो हम यहाँ पे MPIN पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपना पिन इंटर कर देता हूँ। पिन इंटर करने के बाद में आपको ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। इसमें लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट है, यूनो पे है और यहाँ पे यूनो कैश है। तो हम यहाँ पे यूनो कैश के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनो कैश का ऑप्शन है, नीचे ATM का है। तो आप यहाँ पे एक दिन में 20,000 रुपये विदाउट ATM के निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ATM के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस शो होगा, जितना आपके अकाउंट में है। उसके बाद यहाँ पे ATM है, नीचे आपको कितना पैसा विड्रॉल करने का अमाउंट डालेंगे। तो हम यहाँ पे 500 रुपीज़ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको पिन बनाना है, तो पिन यहाँ पे हम बना देते हैं। पिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनाना है और ले का नहीं। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पिन बनाना है, तो हम यहाँ पे एक पिन बना देते हैं। यहाँ पे पिन बनाने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, अमाउंट 500 रुपये हमने यहाँ फिल किया था। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक SMS आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर जो है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग यूनो कैश सर्विस एंड यूनो कैश। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यूनो कैश ट्रांजेक्शन विल बी वैलिड फॉर 4 hours, यानी कि 4 घंटे तक ये वैलिड है। 4 घंटे के अंदर में आप कभी भी यूनो कैश के ATM मशीन पर जाएंगे, जो यूनो कैश को सपोर्ट करता है, वहाँ से आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए हम आपको लाइव दिखा देता हूँ। फाइनली हम ATM मशीन के पास आ चुके हैं और यहाँ पे यूनो कैश का ऑप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन नंबर डाल देंगे जो हमारे SMS के थ्रू आया है। तो हम यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन नंबर फिल कर देते हैं। नंबर फिल करने बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे जो हमने वहाँ पे फिल किया था। अमाउंट डालने के बाद में यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोसेसिंग प्लीज बैट। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनो कैश का अपना जो पिन बनाए थे 6 डिजिट का, वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग बैट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हम 500 रुपये का कैश निकाल लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं 500 रुपये कैश निकाल लिया।